हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल लानू उत्पल में। मैं इस वीडियो में आज आपको दिखाऊंगा किस तरह से डार्केन टीथ को आप फोटोशॉप में व्हाइट कर सकते हैं। तो आइए चले देखते हैं। तो हमने एक इमेज ओपन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस इमेज का कलर पहले ऐसा ना था। इस डार्क टीथ को हमने फोटोशॉप में इस प्रोसेस को अपनाने के बाद हमने इस तरह का लुक बनाया। देखिए, टीथ का कलर पहले ऐसा था, डार्क कलर। हमने इसको कैसे लाइटिंग किया है तो आइए चले देखते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं जो इसके ऊपर काम किया है, इस दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ये बहुत ही इजी एंड शॉर्ट वीडियो है, तो आप इसमें जान सकते हैं किस तरह से किया जाता है। तो हमने जो पहला काम होता है कि जैसे हमें इस इमेज के लिए जो टीथ का कलर चेंज करना है, तो हमें इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन से एरिया तक हम इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद करें। पहले मैं क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन किया है, उसके बाद आप मैं ऑल्ट प्रेस करके मैं इसे डीसिलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें टीथ का जितना एरिया यहाँ पर रहेगा उतना हिस्से का इसका हमें सिलेक्शन बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर थोड़ा काम करना है। ऐसे ऐसे सिलेक्शन बना ले, इसे ऑल प्रेस करके मैं डिसलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि टीथ का जो हिस्से के अंदर ही हमें सिलेक्शन करना है, बाहर नहीं। इतना कर लेने के बाद हमारा नेक्स्ट काम जो बनेगा, ओके, आप एडजस्टर लेयर पे आएंगे मेनू पर, यहाँ से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप कलराइज पे क्लिक करें। ओके, कर लेने के बाद आप करें कि जैसे मैं का कलर देके चेंज करके स्लाइडर को, टीथ का कलर फुल वाइट नहीं होता है, इस टीथ का कलर योलिश कलर का होता है, तो मैं येलो कलर यहाँ से सेट कर देता हूँ। ओके, इतना येलो नहीं रहेगा, जस्ट थोड़ा सा येलो योलिश कलर रहेगा। ओके ओके, 31% में करता हूँ और ओके। इतना कर लेने के बाद इस स्लाइडर को आप ऑफ कर दे ऐसे, तो आप ऑल प्रेस करके आप देखें कितना चेंज हुआ है। ओके, इतना चेंज कर लेने के बाद देख सकते हैं हमारा जो सिलेक्शन है थोड़ा बाहर बाहर आ गया है, टिक के अलावा भी बाहर बाहर आ है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन अच्छा नहीं बना था, इसलिए सिलेक्शन को आप थोड़ा टिक कर ले। आप क्विक सिलेक्शन टूल अभी सिलेक्ट है, ब्रश टूल को क्लिक करके आप फूलों को थोड़ा कम कर ले। आप एक्स पर प्रेस करके, मैं थोड़ा इसको डिसलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन हमारा दांत के बाहर भी चला गया है। इसको ठीक करने के लिए आप ब्रश टूल का यूज़ करके सिलेक्शन को ठीक कर ले। ठीक है, ओके, जो बाहर गया है उसे आप डिलीट कर दे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद नेक्स्ट काम आप करें कि जैसे आप क्लिक करके कंट्रोल के साथ आप यहाँ से माउस से क्लिक करें इस थंबनेल के ऊपर, तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके कर लेने के बाद तो इतना आप यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लेकर एक शेप के टीथ के ऊपर आप यहाँ से एक शेप बना ले। ठीक है, और इसका कलर आप चेंज करके रखे, वाइट कलर आप चेंज कर ले इसे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपका नेक्स्ट जो काम करना है, आप कंट्रोल के साथ यहाँ से क्लिक करें थंबनेल के ऊपर, मास्किंग वाला थंबनेल के ऊपर क्लिक करें, और इसका जो हमारा टीथ का सिलेक्शन किया था हमने, इससे ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद आप मास्किंग पर यहाँ से क्लिक करें, तो हमारे टीथ के जितने भी एरिया हमने कवर किया है उतने हिस्से के इसके मार्क्स लग जाएगा, मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्लिक कंट्रोल इंटर प्रेस करके कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करें। इतना कर लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके आप देखे कौन सी मोड पे आपको अच्छा लग रहा है, जैसे सॉफ्ट लाइट पे ये सही रहेगा। ठीक है, तो मैं सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट करके मैं एक काम कर रहा हूँ, तो वाइट अभी ज़्यादा दिख रहा है, इसके लिए आपको इसका जो अपेसिटी है थोड़ा कम कर दे। करीब मैं कर देता हूँ 60%। ओके, 60% ऑपोसिटी में लगा देता हूँ। इतना कर लेने के बाद
Just a second. इतना कर लेने के बाद ओके अब ये अब देख सकते हैं आप टीथ का कलर बाहर से कुछ अननेचुरल सा दिख रहा है कि जैसे नेचुरल सा नहीं दिख रहा है, ओरिजिनल सा लुक नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आप एक काम करें, फिर से आई जाइए पे सी, इसको सिलेक्ट करके आने के बाद क्विक सिलेक्शन का मोड पे आने के बाद आप ऐसे कंट्रोल प्रेस करके इसके थंबनेल पर फिर से क्लिक करें। इसका इतना हिस्सा सिलेक्शन हो जाएगा, आप सिलेक्ट मास्क ऐसे क्लिक करें। इसके बाद इतना कर लेने के बाद आप ऐसे इसका फेदर आप ऐसे कुछ ऐसा 0.2 पिक्सल तक आप ऐसे बढ़ा ले, ठीक है। इसके बाद ओके कर ले और कंट्रोल बी से डिसलेक्ट करें। और एक काम करें, जैसे इस चीज को नेचुरल दिखाने के लिए आप इसके बाहर बाहर से किनारे के पास इसका वाइट थोड़ा हटा के ओरिजिनल कलर जैसा था वहाँ से ऐसा कर दें। तो इस वाला जो मास्किंग वाला बटन थंबनेल पर आप यहाँ पर क्लिक करके आप ब्रश टूल सेलेक्ट करें। ब्रश टूल के अंदर में नॉर्मल जनरल ब्रश के अंदर सिलेक्ट कर रहा हूँ सॉफ्ट राउंड ब्रश, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कलर को इस मास्किंग को थोड़ा हटा दें, ठीक है ओके। छोटा कर ले चाहे तो ब्रश, आप जानते हैं छोटा कैसे करते हैं ब्रश को, अपने कीबोर्ड में एरो की से, एरो मतलब ऐसे ब्रैकेट की से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ऐसे इसको किनारे किनारे ऐसे फेर ले, ठीक है। ओके इतना कर ले, इतना इतना यहाँ से थोड़ा और कर ले, ठीक है ओके। तो आप देख सकते हैं आप अभी जो टीथ का कलर नेचुरल सा दिख रहा है। आप चाहे तो और भी एक काम करें, इसका जो थोड़ा और इसका फ्लो या ओपेसिटी कम करके इसका अंदर की तरफ जैसे इसका साइज थोड़ा और बड़ा बना के ऐसे क्लिक करके ऐसे क्लिक कर ले, ठीक है। क्योंकि अंदर की तरफ लाइट कम होती है, इसके लिए दिखाई भी कम देता है, वाइट दिखाई कम भी देता है, तो इसके लिए आप ऐसा कम भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं टीथ का कलर। तो आप ऑल्ट प्रेस करके आप माउस के क्लिक करके इसको क्लिक करके देख सकते हैं आप हमने कैसा चेंज हुआ है टीथ का कलर, कैसे किस तरह से वाइट किए हैं हमने टीथ को ऑल्ट प्रेस के साथ क्लिक करें। पहले ऐसा था, हमने इसको चेंज करके ऐसा बनाया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप समझे और 2-3 बार अप्लाई करके देखें। आशा करता हूँ कि जो भी हमने बताया है इस वीडियो में आपको समझ में आया है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया और अच्छा लगा और आगे भी मेरे चैनल में और इससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, थैंक यू।